नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ब्रेकअप एंड पैचअप। अब आप बोलोगे मैं ये दिल की बातों पे मत जाओ, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स लेकर आई हूँ जो शायद जाने या अनजाने में पढ़ाई करते वक्त हम जरूर करते होंगे। कैसे पढ़ाई पे पूरा फोकस करके बेस्ट ऑफ द मार्क्स हम स्कोर कर सके, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। कि एग्जाम्स आ रही है, लास्ट 30 डेज टाइम टेबल दे दीजिए मैम, 95 प्लस के स्कोर करें टाइम टेबल दे दीजिए मैम। और आपको लगता है ये कुछ 2-4 दिनों का टाइम टेबल फॉलो करके और मेहनत करके आप टॉपर बन जाओगे? काश इतना आसान होता। आप अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कोई लगता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसको फिर भी पढ़ना है। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बार बार लगातार ये हमसे कहते हैं कि मैम हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, बट फिर भी न जाने क्यों एग्जाम में हमारे मार्क्स कम आते हैं। अब ये एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर मार्क्स नहीं आते तो करे क्या। तो यहाँ पे आज के सेशन में मैं आपकी होस्ट और दोस्त दिशा कारिया यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स लेकर आई हूँ जो शायद जाने या अनजाने में पढ़ाई करते वक्त हम जरूर करते होंगे, और अगर करते हैं तो ना ही ये मिस्टेक्स, बट ये मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कैसे मिस्टेक्स को बार बार दोहराने से खुद को बचाए, कैसे पढ़ाई पे पूरा फोकस करके बेस्ट ऑफ द मार्क्स हम स्कोर कर सके, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो बहुत जरूरी है कि इस लेक्चर को आप एंड तक देखिए, और ना ही देखिए बल्कि इसको आज से अभी से अपने पढ़ाई करते वक्त प्रैक्टिस करना भी शुरू करें। क्या है ये मिस्टेक्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे है नॉट बीइंग डिसिप्लिन। हम आ जाते हैं यूट्यूब पे या बहुत ऐसे हमारे जो दोस्त होते हैं सीनियर्स होते हैं इनको जाकर पूछते हैं कि भाई साहब बेस्ट टाइम टेबल कौन सा है, कि एग्जाम्स आ रही है लास्ट 30 डेज टाइम टेबल दे दीजिए मैम, 95 प्लस कैसे स्कोर करे टाइम टेबल दे दीजिए मैम, सी एस्पिरेंट है टाइम टेबल दे दीजिए मैम। ठीक है, देखिए टाइम टेबल बनाना ना कोई आर्ट नहीं है, ठीक है टाइम टेबल कोई भी बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अरे बनाना नहीं है तो किसी और का फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम टेबल बनाने से कई गुना ज्यादा जरूरी है उसको फॉलो करना। और यहाँ पे 90% बच्चे जो है मेरे साथ अग्री करेंगे कि टाइम टेबल बना तो लेता है, स्टार्टिंग के कुछ दिन उसको शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं, अरे नहीं करना ही है मेरे को, सुबह अलार्म लगाएंगे कितनी भी नींद में हो उठेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद क्या। और आपको लगता है ये कुछ 2-4 दिनों का टाइम टेबल फॉलो करके और मेहनत करके आप टॉपर बन जाओगे? काश इतना आसान होता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज यही आती है कि आपको यहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। देखिए हम आपको टाइम टेबल्स बता देते हैं बट वो जस्ट एक अंदाजा होता है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि टाइम टेबल बनता कैसे। अब यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस टाइम टेबल में आपको इंक्लूड करना है। आज भी अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो प्लीज इसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा, क्या इन चीजों को ध्यान में रखकर किया है। सबसे पहली चीज, बड़ी सी गलती ये है कि जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है ना, जैसे कुछ बच्चों को अकाउंट्स पसंद है, कुछ बच्चों को इकोनॉमिक्स पसंद है, कुछ बच्चों को बिजनेस स्टडीज पसंद है, तो कुछ बच्चों को लैंग्वेजेस या मैथ्स पसंद होगा, तो ऐसे केस में हम एक ही सब्जेक्ट को बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो उसको पढ़ने में और करने में कंटाला नहीं आता, और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। इसको बिल्कुल ना करिए। जब भी हम टाइम टेबल बनाए तो कुछ बैलेंस रखिए बिटवीन द सब्जेक्ट्स जो आप यहाँ पे इस टाइम टेबल में इंक्लूड कर रहे हो। आप अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आपको कोई लगता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसको फिर भी पढ़ना है। आपके टाइम टेबल में एक बैलेंस रखना है बिटवीन इजी सब्जेक्ट्स एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। मैं तो कहूंगी, मेरा तो सजेशन रहेगा कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ज्यादा करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पे मैं 7 डेज का टाइम टेबल बना रही हूँ, ठीक है, तो अभी तो भाई साहब 6 डेज वाला टाइम चला गया, अभी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, जो 11th स्टैंडर्ड में है उनकी भी एग्जाम्स आ रहे, तो 6 दिन पढ़ो 1 दिन मजे करो, ये टाइम अभी चला गया, अभी आपको फुल फोकस यहाँ पे पढ़ाई पे रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मान के चलो यहाँ पे 7 डेज का टाइम टेबल बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे एंड संडे रखा। अब देखिए, संडे ना जनरली हम होते हैं चिलपिल मूड में, ठीक है, और संडे पढ़ने की आदत किसी को होती नहीं है, तो ऐसे केस में स्कूल्स नहीं है, हो सकता है क्लासेस में भी छुट्टी है, तो ऐसे टाइम पे संडे थोड़ा सा फ्री है। तो मैं आपको कहूंगी कि संडे पूरा बर्बाद करो, पूरे दिन पढ़ाई करो तो एक संडे दो संडे करोगे, छोड़ दोगे, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि हर एक चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। संडे पढ़ना है तो पूरा दिन नहीं पढ़ना है, आप मॉर्निंग 4 आवर्स पढ़ लीजिए, 3 आवर्स पढ़ लीजिए, बाकी दिन भले आप बाकी के काम करिए, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि संडे को जनरली आप यहाँ पे इजी सब्जेक्ट प्लस रिविजन हमेशा रखिए, ठीक है। तो पूरे हफ्ते जो पढ़ाई की उसका रिविजन, या अगर आपने मान के चले एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स कर दिए तो उसकी केस स्टडीज न्यूमेरिकल्स करो, उसका रिविजन करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, अगर आपका पढ़ के हो गया है तो सैंपल पेपर सॉल्व करो, ये चीजें संडे को करो, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइप ऑफ चीज रखो कि भाई संडे को भी अगर पढ़ना पड़े तो कंटाला ना आ जाए यहाँ पे आपको, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बाकी 6 डेज की। अब मुझे लगता है कि कोई सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, तो हमेशा डिफिकल्ट सब्जेक्ट की शुरुआत मैं चाहूंगी आप मंडे से करो। क्यों? संडे थोड़ा चिलपिल किया तो मंडे एकदम आप फ्रेश मूड में हो, और स्टार्ट ऑफ द वीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक अगर बढ़िया गया ना तो पूरा हफ्ता बढ़िया जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलिए कि अगर मंडे को है तो मंडे को सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को रखूंगी, ठीक है, जो भी मुझे डिफिकल्ट लगता है। मुझे कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, मान के चलो मैथ्स, जरूरी है आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है क्या? ये भी जरूरी है कि आपने मैथ्स ऑप्शन में लिया है? नहीं, ठीक है, तो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप रखो, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को आपको यहाँ पे रखना है आपका इजी सब्जेक्ट, ठीक है, कि जो भी आपको इजी सब्जेक्ट लगता है आप उसको रखो, प्लस एक बैलेंस रखो बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अब मान के चलो कि आपको जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, लेट अस से वो यहाँ पे है इकोनॉमिक्स, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो ट्यूसडे को आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज मत रखो, क्योंकि दोनों थ्योरी थ्योरी बोर हो जाओगे, प्लस बैलेंस नहीं रहेगा, तो ट्यूसडे को यहाँ पे आप रख दो अकाउंट्स, ठीक है। अब वेनेसडे को वापस आपने मान के चलो यहाँ पे इजी सब्जेक्ट रखा, बिजनेस स्टडीज रखा, ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज प्लस अकाउंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कैसे किस मुताबिक कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देके आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कुछ सब्जेक्ट पूरे के पूरे बाकी होंगे, उस तरीके से टाइम टेबल को डिजाइन करना है। संडेज थोड़ा सा लाइट रखना है, मंडेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट करना है, लेकिन एक ऐसा बैलेंस रखो कि टाइम टेबल आप फॉलो कर सको। मेरे दोस्त, 12 घंटे का स्केड्यूल बना दिया, अरे पता है नहीं कर सकोगे, एक दिन दो दिन करोगे डीमोटिवेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, कंटाल जाओगे, छोड़ दोगे। ऐसे टाइम टेबल बना के उसमें भी टाइम डाल के क्या फायदा, ये मत करो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाओ। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, टाइम टेबल बना देते सुबह 11 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, 1 बजे ये करूंगा, अरे तुम मशीन हो क्या? करो टाइम वाइज उसको बनाओ, बहुत बढ़िया चीज है। बट कभी मान के चलो कोई ऐसी घटना घट गई जो प्लान नहीं थी, घर पे गेस्ट आ गए, स्कूल में एक्स्ट्रा लेक्चर लग गया, अचानक से प्रोजेक्ट मिल गया, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, तो ऐसे केस में आपका टाइमिंग चेंज हो गया तो बस वो दिन आपका बेकार, ये क्या हो गया, इसका क्या फायदा। तो ये चीज बेटा बिल्कुल मत करो, अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखो। हाँ, मैंने बोला था कि मैं 11 से 1 रोज पढ़ूंगी, ठीक है, एवरी डे विल स्टडी फ्रॉम 11 to 1, और शाम को मैं 4 to 6 पढ़ूंगी, ठीक है, बट आज मुझे स्कूल में एक्स्ट्रा लेक्चर लग गया या आज मुझे शाम को कहीं जाना पड़ गया, तो 4 to 6 के बदले 8 to 10 पढ़ लो, या शाम को कहीं जाना है आपको पता है तो 11 से 1 के बदले 10 से 12 पढ़ो, 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक लो, फिर 1.5 से 3.5 पढ़ो ना, 4 बजे चले जाओ बाहर। बट मुझे अगर 4 घंटा पढ़ना है, 2 टॉपिक्स पूरे करने हैं तो वो करने ही है उसी दिन, क्योंकि एक बार प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया ना कि आज नहीं होगा, चलो ठीक है इसको कल करते हो, कल 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 करके सारा टाइम टेबल आपका हिल जाएगा,
और ये एक बार कर लिया ना तो आपके दिमाग को लगता है, दिल को लगता है अरे चलता है, फिर वो बार बार होगा। नहीं करना तो नहीं करना, दो टॉपिक्स पूरे करने हैं आज तो आज ही करने, कल कभी नहीं आता और कल किसने देखा है, ठीक है इसको ना करो। तो अगर टाइम टेबल में ये गलतियां कर रहे हो तो बेटा अभी के अभी के अभी इसको करेक्ट करो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गलती जो हम सभी करते हैं, एडवांस में प्लानिंग कभी ना करना। मतलब वो कहावत है ना कि आग लगने पे कुआं खोद रहे हो, तब तक जो नुकसान होना है हो गया, जो होना था हो गया, बाद में बस ऐसे सर पे हाथ रख के उफ मेरे साथ ही हो गया, फिर बस रिग्रेट गिल्ट इससे जिंदगी भर जाती है और हमें लगता है कि अरे यार हमारा नसीब खराब है, फिर हम कोसेंगे नसीब को। नसीब बेचारी ऐसी चीज है ना, अच्छा हो गया तो वो अच्छा, खराब हो गया तो उसको कोसो बेचारा। लेकिन ये चीजें ना बेटा नहीं चलती। अगर आपकी एग्जाम्स आ रही है आपको पहले से पता है, ऐसा नहीं है साल भर से पता है कि आपके इस साल बोर्ड एग्जाम है, साल भर से पता है कि आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, साल भर से पता है कि आपको पढ़ के ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, साल भर से पता है कि आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो एंट्रेंसेस देनी होगी, साल भर से पता है, फिर भी हम पूछेंगे मैम चार दिन पढ़ाई करके 90+ ला सकते हैं क्या, मैम बिना पढ़े 90+ ला सकते हैं, अरे बिना पढ़े 90+ ला सकते हो तो एक काम करती हूँ, एक जादू मंत्र होता है ठीक है वो आपको बता देती हूँ, अपना काम सब बंद करके घर पे बैठते हम लोग, है ना। ये नहीं होता बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा एडवांस में प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है स्टार्ट अर्ली, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। करीबन अगर आपके पास 45-60 days आज भी है एग्जाम्स के लिए, और आज से अभी से, अभी ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से भी सिंसियरली पढ़ाई किया, You can score 90+, और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। बट जब मैं कहती हूँ sincerely, तो अब आपको जो बाकी बच्चे कर रहे हैं ना उससे डबल मेहनत करनी है, क्योंकि पहले आपने नहीं की। और अगर ये करने तैयार हो, ये एज अ चैलेंज लेने तैयार हो, तो आज भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट अर्ली, अर्ली नहीं किया अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी भी इट इज नॉट टू लेट, कर रहे हो अभी के अभी करो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा यहाँ पे टॉपिक्स को चूज करो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अब आप बोलोगे मैम प्रायोरिटी मतलब क्या, कि जो पसंद है वो पहले पढ़ो, नहीं। जब भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स को चूज करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट और स्टडी दोज टॉपिक्स और चैप्टर्स दैट हैव मोर वेटेज, ठीक है। देखो अभी मान के चलो आप फिलहाल स्टार्ट कर रहे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया, अभी आप सोच रहे हो कि अभी मैं बुक को खोलूं। अब आप सोचोगे कि बुक के हर एक पन्ने पे, हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन, हर एक शब्द को मैं करूं तो वो इम्पॉसिबल है, और वो आपको भी पता है, कहीं पे भी जाओ उसका जादू ढूंढो कि अरे यार ये करना है कैसे करना है, वो नहीं होना है। तो इसका सलूशन आपके पास क्या है, सलूशन आपके पास ये है कि पहली चीज आप उन चैप्टर्स को करिए जिनकी एग्जाम में ज्यादा वेटेज है। अब जैसे मुझे पता है कि बिजनेस स्टडीज में सबसे ज्यादा वेटेज मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, तो पहले वो चैप्टर को करिए। अब वो चैप्टर में भी मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हो, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स है, तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले ये देखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, प्रीवियस ईयर्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार लगातार आए हैं, हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन क्यों करना है। आपने सोचा कि एक्सरसाइज में चार क्वेश्चन है, चारों सिमिलर है, कोई भी दो क्वेश्चन करिए, बाकी दो छोड़ दीजिए, रिविजन के टाइम देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को अभी प्लान करो, अभी हर एक वर्ड हर एक लाइन नहीं समय है उतना आपके पास, तो अब ये देखो इम्पोर्टेंट क्या है उसको पहले पढ़ो। अगर आपके पास बीएससी की इम्पोर्टेंस नहीं है, चैनल पे हमने दी गई है, वो आप जरूर देखिएगा, उन क्वेश्चंस को पहले करिए, चैप्टर्स विद मैक्सिमम वेटेज पहले करिए, उसके बाद बाकी की चीजें करिए, पीवाईक्यूज पहले करिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पहले करिए।
अगर ये कर लिया ना तो करीबन 60-65% ऑफ द पेपर इनमें से आ सकता है, तो एटलीस्ट उतने मार्क्स पक्के। फिर जो टाइम बचेगा उसमें 75, 85, 90 ये पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले जो जरूरी है उसको फटाफट करके खत्म करो, स्टार्ट प्लानिंग। ठीक है, अब अंधाधुन स्टार्ट नहीं करोगे, अब चैप्टर वन पेज वन से स्टार्ट तुम नहीं करोगे, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ब्रेकअप एंड पैचअप। अब आप बोलोगे मैन ये दिल की बातों पे मत जाओ, ठीक है, बट यहाँ पे मैं ब्रेकअप पैचअप दिल की बातें नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ ब्रेकअप एंड पैचअप, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे भाई साहब आपको ब्रेकअप किसके साथ करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्रेकअप करना है अपने सोशल मीडिया के साथ। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत सारे मेरे बच्चे जो है एकदम सुपरस्टार है, उनका पोस्ट नहीं जाएगा तो उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बट कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दो। देखिए, सोशल मीडिया, सेल फोन्स, गेम्स, मस्ती, मजाक सब अच्छा है, करो, बट पढ़ाई के वक्त नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप फोन यूज करना बंद कर दो, एक महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाओ। देखो, ये नहीं होने वाला, अगर मैंने करने को बोला दो दिन करोगे वापस नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं कहती हूँ ब्रेकअप विद सोशल मीडिया, दैट इज व्हेन यू आर स्टडिंग। तुम 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, अरे 24 घंटे में 4 घंटे के लिए तो सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो, मोबाइल से दूर रह सकते हो उतना तो। और ये किसके लिए, खुद के लिए ना, खुद के लिए ना। हाँ, तो 4 घंटा तुम्हें लगता है ना तुम पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मोबाइल को दूर रख दो, ठीक है, दूर रख दो उसको कुछ दिनों के लिए। सोशल मीडिया पे अपने टाइमिंग को लिमिट कर दो ना, कि हाँ 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, जब फ्री हो तभी 30 मिनट यूज करो, 10-10 मिनट करके 3 बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज्यादा नहीं तो नहीं। अगेन, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बोलने से कुछ नहीं होता, नहीं होता। यहाँ पे मैं अगर पैचअप की बात कर रही हूँ तो पूरा साल यहाँ पे किताबों के साथ आपने पाली दुश्मनी, ठीक है, पढ़ने की बारी आई पढ़ा नहीं, किताबें खोलने की बात करी तो अभी भी ऐसे कोरा कागज जैसा एकदम ऐसा नए नवेली किताब है आपकी, क्या मतलब मेरे दोस्त। तो यहाँ पे अभी आपको पैचअप किसके साथ करना है, तो आपके बुक्स के साथ। बेटा, बुक्स अभी आपके दोस्त है, आप उनसे दूर रहोगे, बड़ी बड़ी किताबें देख के डरोगे उससे क्या होगा, अब सोचोगे कि अरे यार पूरा साल पढ़ा नहीं, पूरा साल पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, अरे सोच के क्या होगा, नहीं पढ़ा, टाइम गया, खत्म हो गया, उसको छोड़ो ना, अभी तो पढ़ो, अभी तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आज भी अगर शुरू करोगे तो कल शुरू करने से तो बेटर ही है ना। तो सोशल मीडिया से प्लीज थोड़ा सा दूर रहिए। ये रील्स देखना, ये एक एक मिनट में आपके कब घंटों निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। ये इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, बच्चे कहते हैं मैम एक्चुअली ना रात को नींद नहीं आती है ना, तो इसके लिए टाइम पास करते हैं। बेटा, मोबाइल देखने से नींद आती भी रहेगी ना तो उड़ जाती है, नींद नहीं आ रही ना तो किताब लेकर बैठो, अगर नींद नहीं आ रही है ना तो जो पढ़ा था उसको रिवाइज करो, रिवाइज करते करते सो जाओ, एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड याद तो रखेगा। अगर रिवाइज करते करते सोए तो पूरे रात भर दिमाग उसको घुमाएगा बातों को, और वही नेक्स्ट दिन याद रहेगा, वो करो, ये चीजें अभी बंद करनी है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, डू नॉट ट्राई टू बिकम अ रट्टू। अब देखिए, मगिंग अप रट्टू वाली चीजें ना बचपन में ठीक थी, जैसे हम बचपन में सिखाते थे ना ए फॉर एप्पल, ठीक है, अब तुम सीखोगे ए फॉर एप्पल और ऐसे नहीं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो करीबन यहाँ पे पर सब्जेक्ट नहीं तो 300 प्लस होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन ले लो, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, ये वो सब मिलाकर पर सब्जेक्ट 300 या उससे ज्यादा, 300 तो मैं कम बोल रही हूँ, हाँ, तो 1500 कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को तुम रट्टा मारोगे कैसे। और रट्टा जो लोग मारते हैं ना उनकी एक आदत होती है, पहला वर्ड अगर याद आएगा आगे का याद आएगा, बड़ 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 अगर पहला वर्ड याद नहीं आना तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट उड़न छू, और फिर एग्जाम में अरे मैंने इसको पढ़ा था, अरे इसका क्या था, यही करते हैं।
देखो इससे कुछ नहीं होता है, वो खोल के उसको, ये अगर आज भी करते हो ना बंद करो। सी चीजों को समझना, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर ये तुमको याद रहेगा, एग्जाम की बात तो छोड़ो, और ये भी छोड़ो मार्क्स मिलेंगे वो तो पक्का मिलेंगे, लेकिन आगे जिंदगी सिर्फ ये किताबों और मार्क्स पे नहीं टिकी है मेरे दोस्त। तुम्हारी असली नॉलेज, तुम्हारी असली इंटेलेक्ट, तुम असली में क्या जानते हो, क्या समझते हो, उसके ऊपर टिकी है ना। तो दोनों तरीके से फायदा है। ते रट्टू तोता मत बनो, अगर ये आज भी कर रहे हो ना इसको बंद करो, चीजों को पढ़ो, उसको समझो, नहीं समझ में आता है तो एग्जाम्पल्स दो। यहाँ पे बेस्ट तरीका कंसेप्ट क्लैरिटी का होता है कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना है। अगर कोई भी आपके डाउट्स है तो डाउट्स को हमेशा आपको क्लियर करे बिना नेक्स्ट कंसेप्ट पे नहीं जाना है। बच्चों की आदत होती है नहीं समझा चल आगे जाते हैं, बाद में देखेंगे, इसको मत करो। इफ यू हैव अ डाउट गेट इट क्लियर देन एंड देयर। अब आप बोलोगे मैम तभी के तभी कौन डाउट क्लियर करेगा, अरे दोस्त को पूछो, दोस्त ने क्लियर नहीं किया तो नेक्स्ट दिन स्कूल में पूछो, अरे हमारे यहाँ पे क्लियर करो, कमेंट सेक्शन में डालो, डाउट पोर्टल पे पूछो, लेकिन पूछो ना। कोई नहीं क्लियर करेगा आपका डाउट, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रट्टा मत मारो, तुम उसको समझो, उसको देन पढ़ो, देन उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज, जो कि है स्टडिंग विदाउट ईटिंग। अब हमें लगता है कि हम एकदम ऐसे स्टूडियोस दिखाने के लिए, खुद को एकदम ऐसे राजा महाराजा जैसे जंग में चल रहे हैं ना, वैसे वाली फीलिंग आने के लिए हम दिखावा करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे पोस्ट करते हैं, लेट नाइट स्टडिंग, रात को 2 बजे। भाई मेरे, वैसे तो तू पढ़ाई कर रहे थे तो सेल्फी और ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कहाँ से आया, और लेट नाइट स्टडिंग, वाई आर यू प्राउड ऑफ दैट। भाई लेट नाइट तुम पढ़ रहे हो उसके उसका मतलब ये कि पहले तुमने नहीं पढ़ा, वाई आर यू प्राउड ऑफ दैट। देखो एक चीज बेटा समझो, ये रात को बैठ के हम पढ़ाई करेंगे, सुबह उठ के खाया पिया नहीं, कुछ नहीं किया, सीधा पढ़ने बैठ गए, इससे कुछ नहीं होता, फायदा नहीं नुकसान ही होता है। भूख लगी है, भूखे पेट भूख लेके बैठ गए, अब भूख पे ध्यान दोगे कि पेट के भूख पे ध्यान दोगे, पेट बोलेगा गुड़ 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 गुड़, दिमाग उसको बोलेगा शांत 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 शांत, तो दिमाग पेट को शांत बोले कि भूख पे फोकस करे, ये नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा प्रॉपर डाइट रखें। अब मैं बोल रही हूँ प्रॉपर डाइट मतलब वजन कम करने वाले डाइट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जंक फूड जो होता है, ठीक है, जिसमें चिप्स आ गए, बर्गर्स, पिज्जाज, मैगी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना कहीं हैवी टू डाइजेस्ट होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत बार हमने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा चावल खा लिया या मीठा खा लिया या हैवी आइटम जैसे घी तेल की चीज़ें खा ली, फिर बड़ा आलस आता है और नींद आती है, तो इनको मत खाओ एटलीस्ट पढ़ने के पहले। एक प्रॉपर डाइट रखो, लाइट नाश्ता करो, बीच में आपको लगता है तो जूस पी लो, फ्रूट खा लो, मिल्क शेक पी लो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, देखिए वर्स्ट चीज अभी जो तुम कर सकते हो, खुद का ध्यान ना रख के बीमार पड़ना। बीमार पड़ोगे, पढ़ नहीं पाओगे, फोकस चले जाएगा, और स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होगा तो और कंसंट्रेशन नहीं होगा और ये साइकिल कंटिन्यू होगी। तो फिलहाल जो वर्स्ट चीज हो सकती है ना वो है बीमार पड़ना। और अगर आप ये नहीं चाहते तो खुद का ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीच बीच में खाइए, हो सके उतना हेल्दी फूड खाइए, मैं नहीं कहती हूँ कि भाई पूरा तुम सब कुछ छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ, नहीं, ठीक है, बट हो सके उतना हेल्दी खाइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, हेल्दी डाइट को इंक्लूड करिए, बाहर वगैरह ज़्यादा खाना अवॉइड करिए, अननेसेसरी अगर बीमार पड़ गए कुछ भी हो गया दिक्कत है। ठीक है, हमेशा पानी की बॉटल साथ में लेके बैठिए, आपको बीच में जब भी ऐसे लगता है कि चलो एक क्वेश्चन हो गया पानी पीना है, पानी पी लीजिए, आपको लगता है तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पानी में मिला के रखिए, अगर आप ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हो या ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपको हो रहा है, बट इसको करो।
अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो ही आपका दिमाग फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है कीपिंग सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ऑन। अब बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैम हम तो ना भाई बहुत सिंसियर है, हम पढ़ाई करते वक्त फोन रखते हैं, लेकिन आप हमारा जिगरा देखो, फोन बाजू में होके भी हम उसको यूज नहीं करते। मैम देखो ये होता है चैलेंज, दोस्त मेरे तुम उसको यूज नहीं करते फिर भी तुम्हारा आधा ध्यान वहीं पे होता है। ठीक है, स्क्रीन सीधी रखते हो, भले साइलेंट पे रखते हो, लेकिन जैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया ना पीप, वैसे लगता है क्या होगा, कौन होगा, क्या बोला होगा, किससे कहा होगा, धक धक चालू हो जाती है। ये मत करो। अगर आपको लगता है कि मोबाइल हम दूसरे रूम में छोड़ना, मम्मी पापा के पास छोड़ना, बंद करना ये नहीं कर सकते, फेयर इनफ, जो नहीं कर सकते वो मत करो, क्योंकि वो करने के लिए मैं फोर्स करूंगी ना तुमको, बार बार पिन पॉइंट करूंगी ना, तुम पढ़ना छोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कि भाई बीच में आपको कुछ भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आया तो दिक्कत है, आपको लगता है अरे यार फिर किसी का इम्पोर्टेंट मैसेज आया या कुछ आया, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस डाल के या अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके कि भाई अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं तभी रिप्लाई करूंगा, अर्जेंट है तो लैंडलाइन पे कॉल करो या फिर मम्मी पापा के मोबाइल पे कॉल करो, फाइन, क्या दिक्कत है बेटा, नोटिफिकेशन तो ऑफ करो, बेसिक है कि आप फोन को एयरप्लेन मोड पे कर दो। बीच में कभी भी, बहुत बार ऐसे होता है जैसे मेरे साथ होता है कि मान के चलो मैं कोई लेक्चर के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों के लिए पढ़ाने हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर रही हूँ, अचानक से कॉल आ गया। अब बहुत बार तो स्पैम होता है, मैम क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैम प्रॉपर्टी चाहिए, अरे तुम पैसा भी दे दो फिर कार्ड भी और प्रॉपर्टी भी दे दो, है ना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, फिर बहुत गुस्सा आता है ना तो आधा घंटा बैक टू फोकस आने में मेरे को लग जाता है, और ये आपके साथ भी होता होगा, तो बेस्ट है, मुझे पता है ना 2 घंटा, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं कि मेरे को इतना अर्जेंट कॉल आएगा कि भाई मैंने नहीं उठाया तो बहुत वांदे आ जाएंगे, ये तो मैं हूं नहीं ना भाई, तो 2 घंटा मैंने फोन नहीं उठाया तो दुनिया ऊपर की नीचे नहीं हो जाएगी, तो मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे करके साइड में रख के अपना काम शांति वाली में करती हूँ, जैसे काम हो गया ब्रेक लिया, एयरप्लेन मोड से फोन हटाया, जिनके मिस कॉल नोटिफिकेशन आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आए, रिवर्ट किया, आधा घंटे का ब्रेक खत्म, वापस काम पे बैठो। देखिए अगर हम प्रोफेशनल्स होके अडल्ट्स होके ये चीज कर सकते तो आप क्यों नहीं, क्योंकि हम भी अगर कुछ चीज पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे लिए वही चीजें करना जरूरी है जो आपके लिए है ना, और ये फायदेमंद है तभी तो हम करते हैं। अब करके तो देखो, एक बार तो भरोसा कर लो, ये नोटिफिकेशंस ऑफ करना हो सके तो फोन को एयरप्लेन मोड पे कर देना बहुत जरूरी है बेटा, वरना फोकस है ना हिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्स्ट ऑफ द चीज बच्चे करते हैं, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे ना वीडियो देख रहे हैं, प्लस बुक में क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्लस हम नोट्स बना रहे हैं, तो आधा दिन वीडियो पे है, फिर नोट्स बना रहे हो, फिर वीडियो पे है, फिर नोट्स बना रहे हो, तो ना ठीक से समझा ना ठीक से लिखा, बट कभी भी मल्टीटास्किंग से ना कोई भी टास्क ठीक से नहीं होता, और ये आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो बेटा कुछ चीजें समझना अभी जरूरी हो गई है, हम पढ़ने बैठते हैं मम्मी कहते हैं ए बेटा 3 सीटी हो गया ना तो बेटा थोड़ा कुकर बंद कर देना, मेरा राजा बेटा है ना, अरे भाई वो 1 मिनट का काम के लिए भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन तो जिप जिप हिल गया ना, ए बेटा दूध खत्म हो गया जरा ला देगा, अरे इसीलिए मल्टीटास्किंग कोई भी तरीके से मत करो, फोन में बात करते करते नोट्स बना रहे हो, वीडियो देखते देखते नोट्स बना रहे हो, पढ़ते पढ़ते कुछ खा रहे हो, ये चीजों को मत करो, अवॉइड, पढ़ रहे हो भले 20 मिनट पढ़ो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो ना, वरना 20 मिनट पढ़ के भी क्या फायदा, कुछ नहीं, व्हेन यू स्टडी ओनली स्टडी। आपको लगता है मेरे को कुछ और काम करना है, ब्रेक लो करो,
पढ़ते पढ़ते मत करो, दोनों काम फिर नहीं होगा। फिर बोलोगे मैं अभी इतना पढ़ा लेकिन याद ही नहीं है। बोलो अरे लेकिन पढ़ा कैसे, वो भी तो फिर बताओ। ये मत करो, डू नॉट मल्टीटास्क, एक टाइम पे एक चीज को करना सीखो। ठीक है, तो मल्टीटास्क इज अ वेरी वेरी बिग नो नो नो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मिसिंग द सीक्वेंस। अब देखिए एबीसीडी अगर बचपन में नहीं पढ़ा होता तो ए फॉर एप्पल पढ़ा होता। अगर ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा होता तो क्या जब बुक्स को रीड करना, सीक्वेंसेस को पढ़ना, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को पढ़ना पढ़ पाते? अगर वो नहीं पढ़ पाते तो क्या जी ये सब्जेक्ट्स को स्टडी करके एग्जाम्स लिख पाते? तो सीक्वेंस को आप अगर मिस करते हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि चैप्टर सीक्वेंस, यहाँ पे मैं जब सीक्वेंस कह रही हूँ तो पहली चीज तो याद रखना कि मैं यहाँ पे चैप्टर सीक्वेंस की बात कर ही नहीं रही हूँ। वरना बोलोगे मैम अभी तो बोला कि प्रायोरिटी बेसिस पे करो, अब बोलते हो कि सीक्वेंस पे जाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट मान के चलिए एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए कि आप यहाँ पे चैप्टर कर रहे हो कंट्रोलिंग, ठीक है, तो मुझे पता है कि कंट्रोलिंग का एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे इसको पढ़ना है, तो मैंने बुक को खोला और सीधा मैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग पे चले गई। बेटा प्रोसेस समझने के लिए क्या आपको कंट्रोलिंग का मतलब पता है? क्या आपने उसका मीनिंग और डेफिनेशन किया? नहीं। तो प्रोसेस कैसे समझोगे पूरे तरीके से? कंट्रोलिंग क्या है वो ही नहीं पता और कंट्रोलिंग करते कैसे ये पढ़ने चले तुम, ऐसे कैसे बेटा? तो ये सीक्वेंस को कभी मत हटाओ। अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो पहले न्यूमेरिकल्स के जो स्टेप्स होते हैं, फॉर्मूलास होते हैं, वो स्टडी करके न्यूमेरिकल्स पे जाओगे ना, वरना कैसे तो सॉल्व करोगे? चैप्टर खत्म हुआ नहीं कि और केस स्टडी रट्टा लगाए बैठे होते बच्चे। अरे तुमने चैप्टर नहीं समझा, तुमको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुम केस स्टडी सॉल्व करोगे कैसे? मैं तो सिखा दूंगी भाई, मैं सालों से सॉल्व कर रही हूँ, मेरा सॉल्व करना जरूरी नहीं आपका सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर करो। तो ये सीक्वेंस नहीं भूलना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ एवरी चैप्टर एंड एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, डू नॉट स्किप, डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड, डोंट डू दैट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि है हैव अ स्टडी स्पेस। अब यहाँ पे आएंगे कमेंट्स, मैम हमारा घर छोटा है, हमारे घर पे ऐसे मेरे लिए कोई अलग जगह नहीं है, हमारी जॉइंट फैमिली है, घर पे बहुत सारे लोग है। मैं जब कहती हूँ स्टडी स्पेस ना, तो एक ऐसे इमेजिनेशन आ जाती है कि ऐसी खूबसूरत सी एक जगह होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया सी चेयर टेबल लैम्प, ऐसे बुक शेल्फ स्टेशनरी काउंटर। देखो बेटा ये लेवल तक पहुंचने के लिए ना आज तुमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कल तुम्हारी जनरेशन ना कह सके कि हमारे पास स्टडी स्पेस नहीं, क्योंकि आज जो तुम हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल तुम जो बनोगे ना वो तुम्हारे ही हाथ में, और उसके लिए ब्लेम करने के लिए कोई नहीं है तुम्हारे पास। तो व्हेन आई से हैव अ स्टडी स्पेस, तो पढ़ने अगर बैठते हो आप तो क्या चीजें नहीं करनी है? सबसे पहले कभी भी आपको बेड पे सोते सोते लेटे लेटे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, अगर स्टडी करने बैठते हो तो ऐसी जगह पे ढूंढो जहां पे कम से कम डिस्ट्रैक्शन एंड नॉइज हो, जहां पे आप एकाग्रता के साथ शांति के साथ पढ़ सको। बहुत बच्चे होते हैं जिनको विंडो के पास बैठना पसंद, ठीक है, ऐसे विंडो पे बुक लेके बैठे, फिर अचानक से एक पक्षी गया, फिर कोई आया, फिर कोई मिला, तो उसके ऊपर ध्यान है। ये मत करो, सिर्फ जगह ही ऐसी ढूंढो जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, कम से कम लोगों का आना जाना हो, कम से कम यहाँ पे आवाजें हो, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। आपको लगता है कि अरे दिन भर में ऐसी जगह नहीं है, रात को पढ़ना, अरे पढ़ो ना, ये सुबह पढ़ना रात को पढ़ना ये कुछ इसके पीछे लॉजिक नहीं समझता मेरे को, मैजिक को तो पता नहीं। रात को अगर तुम पढ़ सकते हो, रात को फोकस कर सकते हो, रात को कम से कम डिस्टरबेंस होता है, पढ़ो, जरूरी है पढ़ना। जरूरी क्या है? पढ़ना, चाहे जैसे,
चाहे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी स्पेस बेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे कम से कम डिस्टर्बेंस हो, ऐसी जगहों को चुनो। अपनी स्टडी स्पेस को हमेशा नीट एंड ऑर्गेनाइज रखना। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये तो मम्मी जैसी बातें कर रहे हो। देखो एक लॉजिक समझाती हूँ। जैसे तैसे चीजों को रख देते हो, एक बुक ली, उसपे बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनाए, सब कुछ आपने करा, ठीक है, और उसके बाद वो बुक कहाँ रख दी आपको नहीं पता। अब दो दिन बाद रिविजन करने के लिए बुक चाहिए, बुक पता नहीं कहाँ रख दी, घर भर में ढूंढ रहे हो, एक डेढ़ घंटा ढूंढा, थक गए, चार घंटे के बदले दो घंटे पढ़ाई की। अब आप बताओ इसका क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो अगर यहाँ पे ये चीज को आपको समझ के लेनी है कि स्टडी स्पेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टडी स्पेस पे मैं ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि रोज साफ सफाई करो, क्लीनिनेस रखो, नहीं, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि किताबें एक जगह जहाँ रखते हो वहीं पे रखो कि जब जरूरत पड़े आपको मिल जाए और उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है स्टडिंग वाइल स्लीपिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कभी भी बेटा ऐसे सोते सोते तकिए के ऊपर लेटे लेटे ऐसे मत पढ़िए। इससे क्या होता है ना, आप 100% फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे चेयर एंड टेबल आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास है अवेलेबल, नहीं है तो यहाँ पे आप बिंदास फ्लोर पे बैठ जाइए। अगर ज्यादा ठंड है तो फ्लोर पे कारपेट वगैरह डालिए, पीछे दीवार का सपोर्ट लीजिए और बैठ जाइए। सामने एक स्टडी टेबल जो आता है, लैपटॉप टेबल, उसके ऊपर पढ़ाई करिए। वो भी नहीं है ना बेटा, डब्बे रखिए। पढ़ना है ना तो पढ़ने के लिए बहाने नहीं चाहिए, ना पढ़ने के लिए एक्सक्यूजेस चाहिए। जिसको पढ़ना है ना उसको पढ़ने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता है। जमीन पे बैठ के पढ़ो भाई, क्या दिक्कत है। अरे बच्चे जो जिनके घर नहीं है उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के सीए पास किया है, तुमको क्या एक्सक्यूज चाहिए। एक्सक्यूजेस देते रहोगे ना उसी में जिंदगी खत्म हो जानी है फिर, ठीक है। तो ऐसा ना करो, राइट। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पता है बच्चे करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये गलतियां हैं, आपको इनको नहीं करनी है। अब ये गलती अगर आप करते हो, आपने ये वीडियो देख लिया तो मार्क्स आ गए, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आप ये गलतियों को करते हो तो अभी के अभी इसको रोकना है। बेटा देखो जिंदगी का ये बस एक पड़ाव है। मैं आपको नहीं झूठे आश्वासन दूंगी कि बस एक बोर्ड एग्जाम में खत्म कर लो जिंदगी तुम्हारी, नहीं, ये तो बस एक स्टेज ऑफ लाइफ है। लेकिन इम्पोर्टेंट, अगर आज आपने मेहनत नहीं की ना, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी, नहीं देगी, बीता टाइम वापस नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया दोस्त ये आ जाएंगे बट टाइम नहीं, तो कदर समय की करो, और जो इसकी कदर करना सीखता है उसकी अपने आप कदर हो जाती है। लेकिन तुम समय की कदर करो, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा जरूर मिलेंगे कुछ और ऐसे टिप्स के साथ, बट मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप इनको आजमाओ, बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करो, बाकी फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम आपसे अलविदा लेते हैं, बट वापस मिलने के लिए, तो आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।